देखेंगे थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टेंजेंट एंड नॉर्मल। हाँ, इजी चीज़ है और आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। देखिए टेंजेंट और नॉर्मल क्या है, तो आप पहले भी जानते हैं, जैसे मान लो कोई कर्व है, ठीक है, ये कोई कर्व है ना, और हम लोग इसके किसी पॉइंट पे बात करते हैं, इस पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट डालिएगा, तो टेंजेंट कैसा होता है, तो टेंजेंट क्या होता है आपका, इस तरह से ना, टेंजेंट, ठीक है, जो टच करता हुआ निकल जाता है, ये आपका टेंजेंट है, ठीक है। और इसी पे नॉर्मल क्या होता है, तो नॉर्मल जो होता है वो इस पे परपेंडिकुलर होता है, ये, ठीक है। तो एक होता है टेंजेंट और एक क्या होता है, एक होता है नॉर्मल, ठीक है। तो ये देखो हम लोगों का कर्व है, कोई भी कर्व हो सकता है, ठीक है, और ये हम लोगों का टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट। किस पॉइंट पे डाला गया है, तो कोई पॉइंट है पी, वहाँ पे डाला गया है, ठीक है। और ये क्या है, ये है नॉर्मल। तो कुछ प्रॉपर्टी जान लीजिए, टेंजेंट क्या होता है, तो टेंजेंट पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं उस पे क्या करता है, टच करता है, ठीक है, टचिंग लाइन है ना, टचिंग लाइन, ठीक है, टच करने वाला लाइन है। और इस पे परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, यानी नॉर्मल क्या है, नॉर्मल है परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। और नॉर्मल का एक और प्रॉपर्टी है, ये जनरली क्या होता है, जो कर्व का सेंटर होता है ना, मतलब यहाँ पे जो सर्कल ऑफ कर्वेचर बनेगा उसके सेंटर से पास करेगा, ठीक है। तो क्या करता है ये पास करता है, पास थ्रू थ्रू, ठीक है, सर्कल ऑफ कर्वे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, एट पी, पॉइंट पी पर जो सर्कल ऑफ कर्वेचर बनेगा, ठीक है, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। तो खैर इसका भी उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जो बेसिक चीज़ है वो ये देखिए कि दोनों क्या है, चाहे आप टेंजेंट का बात करें या आप बात करें नॉर्मल का, दोनों क्या है, दोनों स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो असल में जब आपको टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन पूछेगा तो आपको क्या निकालना होगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ठीक है। अब जैसे सपोज करो मेरा पॉइंट पी क्या है, ये है एक्स नॉट और वाई नॉट, ये है, तो एक्स नॉट और वाई नॉट से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग लाइन का इक्वेशन देख लेते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू एक्स नॉट वाई नॉट क्या होता है, इज, इसका इक्वेशन होता है वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। ये हम लोग 11th में पढ़े थे और बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि ये लाइन का इक्वेशन होता है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, जो किसी पॉइंट से पास कर रहा है एक्स नॉट वाई नॉट से, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो m क्या है, m है मेरा स्लोप, m मेरा क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, लाइन का स्लोप है, ठीक है, ओके। तो टेंजेंट और नॉर्मल के केस में सिर्फ यही आपका चेंज होगा, है ना, इसलिए कि दोनों तो आपका इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो लाइन का इक्वेशन छोटा सा याद रख लीजिए ये। अब अगर आपको टेंजेंट निकालना है, यानी फॉर टेंजेंट, मान लो हमको टेंजेंट निकालना है, ठीक है, तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम का वैल्यू होगा सिंपली dy बाई डी एक्स, ठीक है। और अगर फंक्शन में निकाल रहे हो तो क्या होगा, एफ डैश एक्स, ठीक है, ये होगा। किस पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट पे आप काम कर रहे हैं, यानी एक्स नॉट और वाई नॉट पर, ठीक है। अच्छा, अगर नॉर्मल का लेंगे तो क्या होगा, फॉर नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल का लेंगे, नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है, तो नॉर्मल के इक्वेशन के लिए m का वैल्यू क्या लीजिएगा, तो m का वैल्यू क्या लेंगे बताओ, देखो तो एक रिजल्ट है उसका यहाँ पे यूज़ कीजिए आप, क्या है रिजल्ट, देखो रिजल्ट आप लोग याद किए थे कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है, तो उनका स्लोप क्या होता है, m1 और m2 आपस में इक्वल होता है, जानते हैं,
अगर दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप क्या होता है? इक्वल। और अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, एक का स्लोप m1 है और एक का है m2, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस वन आएगा। ठीक है, तो पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है और परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का मल्टीपल माइनस वन होता है। ये सब आप 11th क्लास में पढ़े हैं, उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखो, अगर टेंजेंट का स्लोप डीवाई बाई डी एक्स है, एम का वैल्यू क्या है? डीवाई बाई डी एक्स। तो नॉर्मल क्या है? नॉर्मल तो इस पर परपेंडिकुलर है, तो हम लोग एम को ऐसा लेंगे कि दोनों का मल्टीपल करने से क्या आ जाए? माइनस वन। यानी इसका एम क्या लीजिएगा? माइनस वन बाई डीवाई बाई डी एक्स, ये लीजिएगा। ठीक है, या क्या बोलिए, या लीजिएगा माइनस वन बाई एफ डैश एक्स। काफ़ी सिंपल है। अब देखो, इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे या इसको, तो क्या बचेगा? माइनस वन बचेगा ना। ठीक है, इसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या बचेगा? माइनस वन बचेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि आपको चाहे टेंजेंट चाहिए या चाहिए आपको नॉर्मल लाइन, इक्वेशन ये होगा। चूँकि सिंपली ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का सिंपल इक्वेशन ये होता है, एम को स्लोप कहते हैं। ठीक है, और स्लोप टेंजेंट के लिए सिंपली डीवाई बाई डी एक्स होता है। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। और नॉर्मल के केस में हम लोग एम को क्या लेंगे? माइनस वन बाई डीवाई बाई डी एक्स लेंगे, ताकि दोनों का प्रोडक्ट माइनस वन आ जाए। ठीक है, इतना ही है, बहुत सिंपल है। अब हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कीजिएगा, सब कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। काफ़ी सिंपल चैप्टर होना है ये। 6.3 देखो, 6.3 को एक्सरसाइज क्या है? 6.3। ठीक है, 6.3 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन का कहना है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिए। ठीक है, कर्व क्या दिया हुआ है? गिवन कर्व है हमारा वाई इज इक्वल टू 3x² - 4, ये दिया हुआ है। अच्छा, 3x का पावर 4 है, 3x का पावर 4, ठीक है, -4x, ये दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, और आपको क्या बोलता है? आपको बोलता है कि आप स्लोप बताइए, कहाँ पे? एट x इक्वल टू 4 पे। देखो, इस तरह का क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? चूँकि इस बार जो आपको क्वेश्चन आना है वो ज़्यादातर आ रहा है ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बहुत छोटा है, बहुत जल्दी बनेगा। तो जो ऑब्जेक्टिव आपको फ्रेम करेगा ना, वो इस तरह का क्वेश्चन को फ्रेम करता है, टाइम कम। ठीक है, और आप फौरन से पता कर सकते हैं। आपको इसमें चार ऑप्शन दे देगा, भाई चुन लीजिए कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो मैथ में तो आपको बना के करना है। इसी तरीके से अगर आप कंपटीशन के लिए अपीयर होते हैं, तो कंपटीशन में भी आपको क्या है, ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन रहता नहीं है, है ना, आपको फौरन से काम करना पड़ता है। तो अब जैसे देखो, यहाँ पे हमको क्या करना है? स्लोप निकालना है। तो स्लोप के लिए क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। हाँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा वाई का? डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, इक्वल टू 3। बोलो, x का पावर 4 का कितना होगा? बोलिए, 4x³। सही है ना, माइनस 4, x का कितना होगा? 1 हो गया, डीवाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो यही तो स्लोप होता है। स्लोप जो होता है आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका जो फॉर्मूला है वो यही है सिंपली ना, क्या है? dy बाई डी एक्स। बताए हैं आपको कि अगर आपको स्लोप निकालना है, ठीक है, और टेंजेंट का, तो सिंपली dy बाई डी एक्स कर दीजिए। अब किस पॉइंट पे पूछा है? एट x इक्वल टू 4। ठीक है, तो therefore क्या हो जाएगा? therefore स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट एट x इक्वल टू 4। तो क्या करना है? कुछ करना नहीं है हमको, क्या करना है? डीवाई बाई डी एक्स निकाल देना है। इसका वैल्यू कहाँ पे? x इक्वल टू
फोर पे। तो देखिए यही ना वैल्यू आया है, क्या आया है वैल्यू, फोर थ्री या ट्वेल्व एक्स क्यूब माइनस फोर। चलो यहाँ पे एक्स का वैल्यू डाल दो तो ट्वेल्व इंटू फोर का पावर क्यूब माइनस फोर क्या हो जाएगा, ये हो जा रहा है हमारा ट्वेल्व इंटू सिक्सटी फोर माइनस फोर, है ना। चलो यहाँ गुना करो, मल्टीप्लाई ट्वेल्व फोर जा फोर्टी एट, फोर ट्वेल्व सिक्स जा सेवेंटी टू, सेवेंटी सिक्स माइनस फोर क्या आंसर आ गया, सेवन सिक्स फोर। देख रहे हैं स्लोप निकालना कितना सिंपल है। अब आपको ऑप्शन दे देगा कि भाई बताओ क्या करेक्ट है, आपको ऐसे बोल देगा सेवन सिक्स टू दे देगा, बी में दे देगा सेवन सिक्सटी दे देगा, सी में दे देगा सेवन सिक्स फोर दे देगा, एट में दे देगा आपको एट सिक्स फोर। तो क्या करना है, कुछ करना नहीं है, अगर ऑप्शन वाइज आता है तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो छोटा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट कुछ खास नहीं है, इतना याद रखिए कि डी वाई बाई डी एक्स टेंजेंट का स्लोप होता है, ठीक है, और नॉर्मल का निकालने के लिए माइनस वन बाई करेंगे, है ना। तो ये छोटा चैप्टर है, छोटा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा आपको बस प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो इसको कॉपी करो। तो इसके बाद टू, ठीक है, थ्री और फोर ये आप अपने से कीजिए, डू योर सेल्फ, ये चूंकि सेम है ना उसी तरीके से बनेगा, इसको होमवर्क कर लेना, ठीक है। अभी हम बता रहे हैं फाइव नंबर, फाइव नंबर में आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल बताना है, ठीक है। गिवन कर्व क्या है, देखो गिवन कर्व है, एक्स दे रखा है तुमको ए कॉस क्यूब थीटा, और वाई दिया हुआ है ए साइन क्यूब थीटा, ठीक है। और कहाँ पे काम करना है, तो पॉइंट जो होगा वहाँ पे थीटा पाई बाई फोर है ये। तो पहले तो ये चीज़ देखो कि ये जो चीज़ है एक्स थीटा में लिखा हुआ है और वाई भी थीटा में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन ना। पैरामीट्रिक वाला डेरिवेटिव पढ़े थे ना आप, तो पैरामीट्रिक वाला जो डेरिवेटिव है वहाँ से इसको करेंगे हम लोग। कैसे करते थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे, हाँ। तो डी एक्स बाई डी थीटा करेंगे तो क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट है, चैन से करोगे तो पहले क्यूब का क्या होगा, थ्री कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना जी, फिर कॉस का, कॉस का क्या होता है माइनस साइन थीटा, ऐसा हो जाएगा, ये निकल गया हम लोग का डी एक्स बाई डी थीटा। इसी तरीके से आप निकाल लीजिए डी वाई बाई डी थीटा, ये क्या आएगा, तो फिर से पहले क्यूब का करोगे तो ए थ्री साइन स्क्वायर थीटा, और फिर साइन थीटा का करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा, दोनों का आ गया, ठीक है। देयरफॉर आप निकालिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने का तरीका भी आप जानते हैं, सब पढ़े हुए हैं, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा, डालो थ्री ए साइन स्क्वायर इंटू कॉस डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, डालो माइनस में है थ्री ए कॉस स्क्वायर और साइन, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा और थ्री ए कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ साइन बच रहा है ऊपर में, नीचे में बच रहा है कॉस, तो साइन बाई कॉस क्या होता है माइनस टेन थीटा, कितना इजी सिंपल नहीं, ठीक है। अच्छा अब चलो हम लोग निकाल लेते हैं क्या, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कब निकालना है, जब थीटा कितना हो पाई बाई फोर हो, पाई बाई फोर, तो पाई बाई फोर का वैल्यू डाल दो तो माइनस क्या हो जाएगा टेन पाई बाई फोर, टेन पाई बाई फोर कितना होता है टेन पैंतालीस, वन होता है, माइनस वन आ गया, ठीक है। अगर आप डी वाई बाई डी एक्स निकाले तो ये क्या आया, ये आया स्लोप ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल का नहीं आया, ये क्या आया, ये आया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट,
ठीक है, कहाँ पे, एट थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर। तो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा, बिल्कुल सिंपल है, बताए थे ना कि इसको बस उलट देना है माइनस लगा करके, ठीक है। तो देयरफॉर आप लिखिएगा यहाँ पे क्या कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वन, आंसर हो गया। कैसे, लॉजिक देखो, याद रखो दोनों का स्लोप ठीक है क्या होना चाहिए, गुना करने से माइनस वन आना चाहिए, सिंपल लॉजिक है। तो वहाँ पे माइनस वन है तो ये क्या होगा, वन होगा, तो गुना करने से माइनस वन आ जाएगा ना। या सिंपल बोलो इसको उलट देना है, वन को उलटेंगे तो वन ही बनेगा ना, अब माइनस लगा देना है, सिंपल है। तो नॉर्मल का स्लोप निकालने का भी कोई आपको मेहनत नहीं है, जो टेंजेंट का निकालते हैं वैसे निकालिए, एक लाइन आगे बढ़ जाइए, बात फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव हो गया, सिक्स ऐसा ही बनेगा। सेवन चलो एक सेवन बता देते हैं, छोटा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। सेवन नंबर क्या है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। बोलता है कि आप पॉइंट बताइए ठीक है, जहाँ पर कर्व पे डाला गया टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो पहले तो कर्व देखो क्या दिया हुआ है, जो कर्व है हमारा वो क्या है, वो है वाई इज इक्वल टू एक्स का पावर क्यूब ठीक है, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस सेवन, ये कर्व दिया हुआ है ठीक है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस सेवन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले ही देखो टारगेट सेट करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि वो पॉइंट बताइए, जैसे ये कर्व है ना भाई, तो ये कर्व है ठीक है, ये कर्व है, तो इस कर्व पर वो पॉइंट बताइए जहाँ पे जब टेंजेंट डालेंगे ऐसे तो वो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो एक्स एक्सिस ऐसा होता है, ये क्या है, एक्स एक्सिस। तो वो पॉइंट आपको बताना है जहाँ पे आप जब टेंजेंट डालेंगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, चाबी बताओ, कोई भी क्वेश्चन का की होता है, क्या होता है, की यानी चाबी, इसका चाबी क्या होगा, चाबी ये होगा कि आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिए है ना, और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा, बराबर। रट जाइए ये सब बढ़िया से, जो ये सब रिजल्ट है कि पैरेलल लाइन का स्लोप बराबर होता है, तो इसका स्लोप निकालेंगे और वो बराबर होगा किसके, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस के, और एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है, सब याद करना पड़ेगा, जीरो। कितना छोटा छोटा चीज़ है, ये सब इलेवेंथ में पढ़े थे। तो इसका अगर जीरो है तो इसका भी स्लोप जीरो हो जाएगा, वो काम कीजिएगा, कहानी खत्म। तो कोई भी क्वेश्चन हो पहले उसका की तैयार कीजिए कि करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू ठीक है। चलो अब देखो, चलो स्लोप निकालते हैं, ये तो बहुत इजी है, क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट ठीक है टू कर्व है ना एट पॉइंट। अभी तो हम लोग जब निकालते हैं शुरू में तो वो कोई भी पॉइंट होता है एक्स वाई, क्या होगा इज, चलो तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, dy बाई डी एक्स है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर, फिर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर का सिक्स एक्स, माइनस नाइन एक्स का माइनस, क्या ये आ गया। अच्छा इफ क्या बोल रहा है, इफ क्या है, इतना क्या लिखना फालतू चीज़, डायरेक्ट लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, कितना डिटेल करते रहिएगा, छोटा क्वेश्चन है ये सब, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है कि ये जो स्लोप आपको मिला है वो कितना होना चाहिए, जीरो। की तो हम लोग पहले सेट कर लिए ना, क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यानी क्या, यानी जो स्लोप हमको मिल रहा है डीवाई बाई डी एक्स वो क्या होना चाहिए, वो इक्वल टू होना चाहिए स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस ठीक है, और स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है भाई, ये होता है जीरो ठीक है। इसका मतलब क्या, इसको जीरो कर दीजिए तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस नाइन को जीरो कीजिए, कर दिए जीरो, तीन को कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लो क्या बचेगा,
एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ये बचेगा। अब क्या करना है, गुणनखंड फैक्टराइजेशन, क्या फैक्टर बनेगा, देखो माइनस थ्री है और माइनस टू लाना है तो क्या आएगा जी, माइनस टू और अच्छा माइनस टू लाना है ना, तो माइनस थ्री और क्या बनेगा प्लस वन, ये ना बनेगा क्या। अब देख लो माइनस थ्री इंटू प्लस वन, माइनस थ्री माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू, काम बन रहा है। एक्स का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा, ये आएगा थ्री और यहाँ से क्या आएगा माइनस वन, तो या तो थ्री आ रहा है या तो माइनस वन आ रहा है, ये तो एक्स का वैल्यू हुआ। और आपसे क्या पूछा है, पॉइंट पूछा है, पॉइंट, तो पॉइंट क्या होता है, एक्स और वाई दोनों होता है ना, तो अब हमको वाई का वैल्यू निकालना है, तो वाई का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, इसको ले लो इक्वेशन वन जो क्वेश्चन दिया हुआ था और वहाँ से निकालो, ठीक है। देखिए यूजिंग वन, यहीं पे बना रहे हैं ना, यूजिंग वन, वन का यूज़ कीजिए, ठीक है, चलो यूज़ करते हैं वन का। इफ़ एक्स इक्वल टू थ्री, एक्स का वैल्यू अगर थ्री होगा तो वाई कितना होगा, निकालो, तो चलो निकालते हैं थ्री, तो वाई यहाँ पर डालिए, थ्री का क्यूब कितना होता है 27 माइनस, फिर यहाँ पे थ्री डालेंगे तो थ्री का स्क्वायर 93 जाए, फिर से 27, फिर यहाँ पे डालोगे 93 जाए 27, हर जगह 27 है आ रहा है, क्या बात है। अब प्लस 7 क्या वैल्यू हो जाएगा, देखो ये तो 27 आपका हटा, तो माइनस 27 प्लस 7 क्या आ गया, माइनस 20। तो एक्स का वैल्यू अगर 3 था तो वाई क्या आ गया, माइनस 20। एक और काम कर लो, एक्स का वैल्यू अगर माइनस 1 है, माइनस 1 ठीक है, तो वाई क्या आएगा देख लेते हैं, फिर से डालिए, तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, सो माइनस 3, फिर माइनस 1 डालिएगा तो प्लस 9 और लास्ट में प्लस 7, क्या वैल्यू आ रहा है, वैल्यू आ जा रहा है तुम्हारा 3 और 1 4, 9 और 7 16, 12 आ रहा है, ठीक है, 16 माइनस 4 12 आ गया ना। तो x का वैल्यू जो था, तो x के वैल्यू के लिए हम लोगों को y का वैल्यू भी मिल गया, यहाँ पे भी देखो और यहाँ पे भी देखो, तो यानी आपका पॉइंट बन गया। पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, हाँ देयर फोर पॉइंट्स आर, पॉइंट क्या होगा, ठीक है पॉइंट्स आर, दो पॉइंट मिल रहा है आपको, कौन कौन, एक मिल रहा है थ्री तो माइनस 20, थ्री तो माइनस 20, एक और मिल रहा है कौन, माइनस 1 तो 12। अब आपको पता है ना, ऐसा तो पॉइंट एक से ज़्यादा भी हो सकता है क्या, ऐसे मान लो कोई कर्व इस तरह का है, इस तरह का, तो हम तो यहाँ पे देख रहे हैं दो जगह टेंजेंट मिल जाएगा जो एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा, तो वो पॉइंट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, ठीक है ज़्यादा भी हो सकता है। तो देखो इस तरीके से बनाना है क्वेश्चन को, ठीक है चलो इसको क्लियर करो। ठीक है, जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन है वही कोई ज़रूरी है पूछिए आपसे, ठीक है थोड़ा अलग भी पूछ सकता है, तो आपको ना जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है थोड़ा उसका नॉलेज होना चाहिए, समझे। तो डिफरेंट डिफरेंट जो सिचुएशन आएगा, जैसे अभी आप क्या निकाले, अभी आप पॉइंट निकाले जहाँ पर टेंजेंट क्या था, एक्स एक्सिस के पैरेलल था, तो वो तो कुछ भी पूछ सकता है। तो जैसे देखो हम कुछ सिचुएशन बता दे रहे हैं ना, ओके यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं डिफरेंट सिचुएशंस, सिचुएशंस ठीक है, कब क्या रहेगा तो कैसे करेंगे, हाँ डिफरेंट सिचुएशन को देखिए। जैसे देखो आपको कोई कर्व दिया हुआ है, ये कर्व है ठीक है, और कर्व पर हमको क्या करना है, पॉइंट फाइंड करना है, सपोज करो है ना, जनरली क्या होता है आपको फाइंड करना पड़ता है पॉइंट, हाँ फाइंडिंग पॉइंट्स, ठीक है आपको पॉइंट्स फाइंड आउट करना होता है, ठीक है वेयर क्या क्या केस हो सकता है। तो आपको पहला केस ऐसा बोल सकता है कि जो टेंजेंट है वो क्या है, वो है मेरा
किसके पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोलेगा तो जो डी वाई बाई डी एक्स आपको लेना है, ठीक है, वो क्या लेना है, वो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस के इक्वल लेना है, यानी क्या लेना है, जीरो, ठीक है। तो याद रखिएगा स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, जीरो होता है, और स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है, अगर वाई का बोलेगा तो इन्फिनिटी होता है, ठीक है ना। तो एक हो गया, नंबर टू ऐसे बोल सकता है आपको कि जहाँ पे जो टेंजेंट है वो क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो अगर वाई एक्सिस बोलेगा तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, जो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग निकालेंगे कर्व से, उसको क्या लेंगे, इन्फिनिटी ले लेंगे, ठीक है ना। तो इससे पॉइंट मिल जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आपको जो पॉइंट पूछ रहा है उसके लिए क्या बोलेगा, टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू ठीक है, कोई कॉर्ड मान लो आपको दे देगा, कॉर्ड ए बी, ध्यान दीजिएगा ना, कोई आपको कॉर्ड दे दिया ए बी, ठीक है। तो अब अगर जैसे कॉर्ड जब भी देगा तो आपको उसका एंड पॉइंट बताएगा, जैसे मान लो ए का एंड पॉइंट है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिया है, कहाँ, क्वेश्चन नंबर आपको 8 में दिया है, ठीक है ना। ए मान लो 20 है और बी मेरा क्या है, बी है मेरा 44। तो आप 8 नंबर जब ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 हम लिख दे रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में ये मिलेगा आपको, कॉर्ड दिया हुआ है। तो अगर टेंजेंट पैरेलल टू कॉर्ड लिखा हुआ है तब क्या होगा, तो हम लोग जो अब जो डी वाई बाई डी एक्स को निकालेंगे तो क्या करेंगे, उसको इक्वल करेंगे किसका, स्लोप ऑफ कॉर्ड का। और स्लोप ऑफ कॉर्ड कैसे निकलता है, इसका स्लोप कैसे निकलेगा, इसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन, है ना, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, सिंपल होता है। यानी पहले y को घटाइए, तो 4 में 0, तो 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2, ठीक है, क्या आ जा रहा है, 4 बाई 2 आ रहा है, यानी क्या आ रहा है, 2। तो यानी अगर पैरेलल टू कोई कॉर्ड दिया हुआ है तो क्या कर दीजिएगा, dy बाई dx को 2 ले लीजिएगा, जैसे यहाँ पे लिए, बात फॉलो कर रहे हैं ना। तो कोई भी सिचुएशन हो, कुछ करना नहीं है, dy बाई dx निकालना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन लगाना है, सोल्व करके एक्स और वाई निकाल लेना है। तो कितना सिंपल मैथमेटिक्स है, कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो बहुत छोटा है, सिर्फ प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है, ठीक है। अब मान लो एक सिचुएशन और हो सकता है, क्या है, एक सिचुएशन आपका और हो सकता है कि आपको क्या बोल देगा कि जो है भाई, जो टेंजेंट है वो क्या है, वो पैरेलल है, पैरेलल टू एक लाइन आपको हो सकता है दे दे, ऐसा क्वेश्चन भी आपके पास है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है ना, पैरेलल टू लाइन, या डायरेक्ट लिख देगा क्या कि टेंजेंट ही इसका ये है, वाई इक्वल टू एक्स माइनस 11, ऐसा, ठीक है। तो कोई भी लाइन दे, यहाँ से भी तो आप स्लोप निकाल सकते हैं ना, जैसे बता रहे हैं, तरीका सुनो, जैसे मान लो मेरे पास लाइन ये है, तो इसका स्लोप तो बहुत आसान है देखना, इसका स्लोप कितना है, स्लोप है इसका, स्लोप क्या होता है, यहाँ पे x का मल्टीपल होता है, यानी इसका स्लोप 1 है, ठीक है। तो आप इस केस में dy बाई डी एक्स क्या करेंगे, जब आप dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो उसको आप किस क्या करेंगे, 1 के इक्वल कर देंगे। लेकिन यही लाइन दे, ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपको ये दे दिया, अगर लाइन हमको ये दे दिया, इफ़ लाइन इज, ऐसा लाइन दे दिया क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ये दे दिया, तो इसका स्लोप क्या होता है, इसका स्लोप होता है हम लोगों का माइनस कोएफिशिएंट ऑफ ए बाई कोएफिशिएंट ऑफ बी, यानी माइनस ए बाई बी होता है। तो इस केस में क्या करेंगे, जब आप dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो उसको इक्वल कर देंगे माइनस ए बाई बी का, फॉलो कर रहे हैं ना। तो देखिए, असल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर आपके पास में नॉलेज है तो कॉन्सेप्ट इतना ही है, आपको यहाँ 12 पर तो कुछ करना ही नहीं है, कर्व दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स निकालना है, जैसा क्वेश्चन डिमांड किया है अप्लाई कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आपका इससे बनेगा, इस लॉजिक से।
ठीक है। अब देखो 10, 11, 12 सब एक जैसा क्वेश्चन है ना। तो हम एक कोई बता देते हैं, 10 नंबर बताते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? आपको बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू कर्व। तो गिवेन है, क्या गिवेन है? गिवेन है मेरा स्लोप, स्लोप गिवेन है। ठीक है, स्लोप का मतलब क्या होता है? dy/dx, ये आपको गिवेन है किसी भी पॉइंट पर, आर्बिट्रेरी पॉइंट पर, एक्स वाई पर। ठीक है ना, ये स्लोप जो है वो क्या है? वो है -1। तो सबसे पहले आपको अगर स्लोप दिया हुआ है तो आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इक्वेशन निकालना है, ठीक है, टेंजेंट का। तो कर्व क्या है? जो गिवेन कर्व है मेरा वो है y = 1/(x-1)। सिंपल ये है, ठीक है ना। हम 10 बता रहे हैं, 11, 12 आप लोग अपने से बनाइएगा। हाँ अच्छा, अब देखो यहाँ पे dy/dx निकालो, देयरफॉर क्या हो जाएगा? dy/dx क्या आएगा? इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, u/v में तो नहीं, 1/x का फॉर्म में कर लीजिए, क्या आ जाएगा? -1/(x-1) का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, ओके अच्छा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिंपली -1, चूँकि ये दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दो क्या, एज़ पर क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये गिवन है। ठीक है, अब आप दोनों को सोल्व करते हैं, वेरी सिंपल है। देखिए सोल्व कर रहे हैं, -1 तो आपका पहले कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा? x-1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1, इधर 1 है। ठीक है, चलो इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आ जाएगा? x²-2x+1=1। ये भी 1 आपका हट गया, क्या बचेगा? x को कॉमन ले लीजिए तो x(-2)=0, ये बच रहा है, क्या है ना। यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आएगा या तो 2 आएगा, 0 आया तो ठीक 2। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या कीजिए, पॉइंट फाइंड आउट कीजिए। जैसे ये मेरा कर्व दिया हुआ है, इसको 1 ले लो, ठीक है, यूजिंग वन का हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे अगर x मेरा 0 है तो बोलो y क्या आएगा? 1 को देख करके जल्दी जल्दी बोलो, -1 आएगा। तो फास्ट बोलना है इस समय, ठीक है, सोचते रहेंगे तो सोचते रहेंगे। फिर x का वैल्यू अगर हम 2 ले लें तो बोलो y क्या आएगा? 1 आएगा, यही ना आ रहा है, तो कितना सिंपल है। तो आपको पॉइंट मिल गया पहले तो, ठीक है, तो यूजिंग वन दिस, ठीक है, इसका मतलब है जो पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, चूँकि आपको टेंजेंट निकालना है, ठीक है, तो टेंजेंट निकालने के लिए क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कि भैया मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 2 पीस आया, कौन कौन आया? एक आया 0-1 और दूसरा क्या आया? दूसरा आया 2-1, 2 और 1। अब आपको क्या बोला है? टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए बोला है दोनों पॉइंट पर, तो आइए निकालते हैं। देयरफॉर है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पर? तो सबसे पहले एट 0-1, 0-1 पर क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला आपको शुरू में बताए थे, y-y0, यानी y में y वाला पॉइंट को घटाइए, तो y-1=, स्लोप होता है, ठीक है ना, यहाँ पे स्लोप होता है, तो स्लोप तो आपको दिया हुआ है, कितना है? -1 और x-0। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे लिख लो कि चूंकि आपको स्लोप तो गिवन है, स्लोप तो आपको शुरू में दे दिया है कि भाई -1 है, -1। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये y+1 हो जा रहा है और ये x, तो क्या आ जा रहा है? यहाँ से आ जा रहा है y, इसको x को इधर ले आओ, +x+1=0, ये तुम्हारा निकल गया एक टेंजेंट, निकला ना। ठीक है, एक और टेंजेंट निकालेंगे 2-1 पे, तो क्या लिखेंगे? सिमिलरली आप निकाल लेना, ठीक है, इसी तरीके से आप निकाल लीजिएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, एट किस पे? एट 2-1 पे। सिर्फ फॉर्मूला आपका चेंज होगा, कुछ होने नहीं जा रहा है। क्या होगा? y का पॉइंट 1 है,
फिर स्लोप, स्लोप फिर से माइनस वन और एक्स माइनस टू, है ना जी। तो सब बस याद करना है एक बार, फिर तो बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा इक्वेशन, इक्वेशन आपका आ जाएगा एक्स को उधर कर दो, एक्स प्लस वाई, ठीक है, और इधर माइनस वन है, इधर प्लस टू हो जा रहा है, हो रहा है ना प्लस टू, उधर जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस वन प्लस माइनस वन माइनस टू, माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। कितना सिंपल है, देखिए ये आपका सेकंड निकल गया टेंजेंट, दो ही टेंजेंट तो होगा ना, दो पॉइंट है तो दो टेंजेंट होगा, ठीक है। तो देखो इस तरह से क्वेश्चन करना है, तो 10 हम कर दिए हैं, 11 और 12 ये सेम क्वेश्चन है, इसको आपको करना है डू योर सेल्फ डीवाईएस, ठीक है, अपने से कीजिएगा। चलो ठीक है, इसको अभी यहाँ पे कॉपी करो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, 14 में सारा क्वेश्चन एक जैसा है और ये एग्ज़ाम पर्पज़ से भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपको ना टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, पॉइंट गिवेन है, ठीक है। तो कर्व आपको दिया हुआ है, क्या गिवेन है देखो, कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स का पावर 4 माइनस 6x³, ठीक है, प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोगों को निकालना है टेंजेंट भी और नॉर्मल भी, हाँ, और पॉइंट क्या दे दिया है एट 0.5, ये पॉइंट दिया हुआ है। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है, देयरफॉर बोलो डिवाइड बाय dx क्या आ जाएगा बताइए, 4x³ है ना माइनस 18x², ठीक है, प्लस 26x और यहाँ पे माइनस 10, यही आ रहा है, ठीक है। अच्छा तो इसमें कॉमन तो है, चाहे तो हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं, है ना, 2 ही कॉमन है, 4 तो कॉमन नहीं है, 2 ले लो कॉमन, तो चलो 2 को कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 2x³ माइनस 9x² प्लस 13x माइनस 5, ये आ गया। अब निकाल लो क्या डिवाइड बाय dx किस पे, एट 0.5 पे, तो 0.5 पे, समझ में आ रहा है बात ना, x क्या है, x आपका 0 है, x कितना है 0, तो हमको तो अभी सिर्फ x से मतलब है, चूँकि x का वैल्यू डालना है, तो डालो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 2, x का वैल्यू 0 डालिए तो ये होगा 0 माइनस ये भी 0 प्लस 0 माइनस 5, क्या आ जा रहा है जी माइनस 10, ठीक है, ये आ गया। ये जो माइनस 10 आया ये क्या आ गया, ये मेरा आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। इसको हम लोग देखो, इसको हम लोग लिख ले रहे हैं क्या m, है ना, m से कर देते हैं, हाँ m, ठीक है, तो इसको m मान लेते हैं। देयरफॉर बोलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे, एट पॉइंट 0.5, फॉर्मूला तो पता है आपको क्या होता है, y माइनस वाई वन यानी y माइनस 5 इक्वल टू, यहाँ पे m होता है x माइनस 0, ठीक है ना, ओके। अब इस m का वैल्यू आपको पता है, तो m का वैल्यू कितना है माइनस 10, तो यहीं पे रख दो माइनस 10, ठीक है। अब चलिए सोल्व कीजिए, सोल्व कीजिए क्या आ जाएगा, 10 माइनस 10 है उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, है ना, इसको इधर ले गए तो ऐसे बन गया, तो टेंजेंट निकल गया। अब आपको नॉर्मल बोला था, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस पॉइंट पे, उसी पे 0.5 पे, ठीक है। तो फिर से ये तो सेम रहेगा y माइनस 5, है ना, वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू, फिर यहाँ पे स्लोप क्या होगा नॉर्मल के लिए, तो माइनस वन बाई एम, अगर ये m है तो नॉर्मल के लिए माइनस वन बाई एम याद किए हैं, और x माइनस 0, ठीक है। अब m का वैल्यू क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप में m का वैल्यू क्या है माइनस 10, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, माइनस हट जाएगा 1/10, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, तो 10 को क्रॉस कीजिएगा तो आ जाएगा x माइनस 10y, ठीक है,
ठीक है, 10y को इधर ले आए और माइनस 50 को लिख दे रहे हैं इधर ला करके प्लस 50 इक्वल टू जीरो। देखिए कितना जल्दी आंसर निकल गया, ये आपका हो गया टेंजेंट, ये आपका हो गया नॉर्मल। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन है 14 में सब इसको ऐसे ही बनाइएगा। एक हम बता दे रहे हैं 15 नंबर, क्योंकि और तो कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सब इसी तरह से बनेगा। एक 15 देख लो, 15 में क्या है कि आपको बोलता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिए, ठीक है, है ना, पैरेलल टू लाइन और परपेंडिकुलर टू लाइन। ठीक है, पहले देखो गिवन कर्व क्या दिया हुआ है, गिवन आपका दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सेवन, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसका डीवाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, यहीं पे करो डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन करेंगे क्या आ जाएगा, टू एक्स माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब देखो एज पर क्वेश्चन, ए नंबर, ए नंबर में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलता है कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू लाइन है। ठीक है, क्या है, टेंजेंट पैरेलल टू लाइन है किसका, 2x माइनस वाई प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। तो अगर पैरेलल है तो स्लोप बराबर होगा, तो इसका स्लोप क्या है, 2x माइनस टू, यानी क्या 2x माइनस टू इज इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा स्लोप ऑफ कौन सा लाइन है, 2x माइनस वाई माइनस नाइन, 2x माइनस वाई माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, यही ना लाइन दिया है, अच्छा प्लस नाइन है। ठीक है, तो इस ये जो स्लोप आया है मेरा वो इसके बराबर होगा। अब इसका स्लोप क्या होता है बताओ, तो हम अभी बताए थे पीछे रिजल्ट कि इसका स्लोप क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी माइनस टू डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ वाई यानी माइनस वन, चूँकि इसका आगे माइनस वन है। ठीक है, ये तो माइनस टू बाई माइनस वन क्या आ गया, सिर्फ टू आ रहा है ना, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस टू जो है आपका ये इक्वल हो जाएगा 2 का। अब यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो 2x बराबर हो जाएगा 4 और x का वैल्यू क्या आ जाएगा सिंपली आपका 2, तो x 2 आ गया। x अगर 2 है तो y कितना होगा, तो y निकाल लो, देयरफॉर y कितना हो जाएगा, तो कहाँ से निकालेंगे y को, क्वेश्चन से है ना, ये 1 ले लो और यूजिंग 1 कर दो, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 और प्लस 7 यानी आपका 7 आ रहा है। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा बाय 1 यानी हम 1 का यूज़ किए हैं। ठीक है, तो मेरा पॉइंट मिल गया, तो हमको क्या निकालना है, टेंजेंट। देयरफॉर क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, एट 2 7, क्योंकि ये 2 आया ये 7 आया, तो 2 7 पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y माइनस सेवन इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप कितना आया है, तो स्लोप तो देखो यहाँ पे दिख रहा है हमको, यही ना स्लोप है, क्योंकि दोनों बराबर है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे और x माइनस टू। अब इसको आप सोल्व कर दीजिए, सोल्व कीजिए क्या आ जाएगा, 2x माइनस वाई माइनस 4 प्लस 7 3 इक्वल टू जीरो, कितना सिंपल है। ठीक है, इसी तरीके से तुम्हारा बी नंबर क्वेश्चन, बी नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है कि जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है, तो देखो क्या होगा परपेंडिकुलर में 2x माइनस टू जो आया है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस वन बटा का क्या, स्लोप ऑफ ऑफ क्या लाइन दिया हुआ है, लाइन है 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13। तो देखो ध्यान देना है, अगर पैरेलल वाला केस है तो पैरेलल वाला में तो आप बराबर करते हैं, है ना, पैरेलल का केस है तो क्या करते हैं डायरेक्ट बराबर, लेकिन अगर परपेंडिकुलर का केस आ गया जैसे अभी है तो परपेंडिकुलर वाला में क्या कीजिएगा, डायरेक्ट बराबर नहीं कीजिएगा, माइनस वन बटा लगा करके, ये सब थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, अब इसका स्लोप क्या होता है, इसका स्लोप तुम देख लो, इसका स्लोप क्या होता है, स्लोप निकाल लो इसका, इस लाइन का स्लोप वही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्या माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, माइनस 15 है,
तो माइनस 15 डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ वाई यानी 5, तो यहाँ पे ये माइनस माइनस कैंसिल, 5 3 या 15, तो यानी ये जो वैल्यू है इसका स्लोप का वो क्या है 3। तो यहाँ पे आप कैसे बनाइएगा, 2x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1 ये वाला, अब बाई नीचे में कितना आ गया 3। अब इसको क्रॉस करो, क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 एक्स और माइनस 3 2 जा 6 बराबर माइनस 1, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा हम लोगों का 6 और इसको इधर ले आइए तो 5, तो 5 बाई 6 आ रहा है, ठीक है। तो x 5 बाई 6 आ गया, तो फिर से y का वैल्यू निकाल लो, तो देयर फॉर y क्या आ जाएगा, तो y निकालेंगे बाई 1 से यानी यहाँ से, तो x का वैल्यू डालिए क्या हो जाएगा 25 बाई 36, ठीक है, माइनस 10 बाई 6 और प्लस 7, एलसीएम लेके देखो कितना आता है, ये 36 है तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 6, ठीक है, यानी 60, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 माइनस 60 और प्लस 76 आपका 76 जा 42 2 और 73 जा 21 25, ठीक है ना, ये तो ये 36 सिक्स वैल्यू क्या आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है, ठीक है, थोड़ा आंसर मिला तो देखो, फर्स्ट का आंसर ठीक है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, और सेकंड का आंसर बताओ क्या आ रहा है, कम से कम एक बार चेक कर लेते हैं वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 277, ठीक है ना, माइनस 60 यानी 217 बाई 36, ठीक है। अच्छा, ये हो गया y का, तब हम मेरा पॉइंट क्या मिल गया, मेरा पॉइंट मिला है देखो, तो फर्स्ट का आंसर सही है ये वाला, क्या आंसर दिया है एक मिनट लाओ देखें, 15 नंबर था ना, 15 का ए वाई माइनस, कहाँ है 15 का ए, वाई माइनस 2x माइनस 3, ठीक तो है जी, माइनस को कॉमन ले लीजिएगा तो यही आएगा, ठीक है, वो माइनस को कॉमन लेंगे तो वही आएगा, एक ही बात है। अच्छा, सेकंड वाला का आंसर क्या आ रहा है, 227, 227, ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको, 36 वाई प्लस 12 एक्स ना। अच्छा, तो चलो देख लो, तो इसमें जो हम लोग का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा वो क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट कौन सा बना, पॉइंट बना हम लोगों का एक 5 बाई 6 और दूसरा 217 बाई 36। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y माइनस 217 बाई 36 इक्वल टू स्लोप, स्लोप क्या है इसका, तो स्लोप तो हम लोग को दिख रहा है, इसका वैल्यू क्या आया है माइनस 1 बाई 3, तो माइनस 1 बाई 3 और x माइनस 5 बाई 6। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है, सोल्व कर लेते हैं, आइए देखिए, 36 आपका इधर एलसीएम हो जाएगा, है ना, तो 36 को एलसीएम ले लो, तो इधर क्या आएगा एलसीएम, इधर आ जाएगा आपका 18 यानी 2 बचेगा इधर, ठीक है, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं क्या आएगा, देखो 36 वाई माइनस 217, ठीक है, इक्वल टू इनटू, अच्छा ये 36 है तो इनटू इधर होगा क्योंकि ये 18 बन रहा है, तो इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे आपका 2, ठीक है, माइनस भी है आगे में तो माइनस 2 कर लो, माइनस 2, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा 6x माइनस 5। अब हम बता देते हैं आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, इसे लिख लेते हैं एक लाइन, ठीक है, एक लाइन और लिख ही लो ना क्या आता है, देखो ये 6 2 या 12, तो ये हो गया 12x, उधर ले जाइए इसको, ठीक है, प्लस 36y, ठीक है, और 217 और इधर हो जा रहा है आपका प्लस 10 यानी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 227 इक्वल टू 0। अब देखो इसका क्या दिया आंसर, सही है, तो देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन आपका हो जाएगा, है ना,
तो इस तरीके से इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलो ठीक है, इसको कॉपी